नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि अक्सर खांसते वक्त सीने में दर्द होने लगता है, तो ये दर्द क्यों होता है? अगर ये दर्द ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है? और ये सब कुछ समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़े से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि खांसते वक्त लोगों के सीने में दर्द होने लगता है, तो मैं चाहूँगी आप सबसे पहले दर्शकों को ये बताएं कि ये दर्द क्यों होता है। देखिए, खांसते वक्त सीने में दर्द का दो वजह हो सकता है। देखिए, एक तो कोई बीमारी हो, जैसे निमोनिया हो, आपके छाती के अंदर पानी हो या क्लॉट हो, या कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें सीने का दर्द होता है और साथ ही साथ आपको खांसी भी है। तो ये तो एक वजह हो गया कि बीमारी की वजह से आपको खांसी हो रही है और उसी की वजह से सीने में दर्द हो रहा है। दूसरा एक कारण जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि जो मरीज़ अक्सर खांसते रहते हैं, अब चूंकि खांसी करते हैं तो मांसपेशियों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उस समय ज़्यादा ज़ोर से इस्तेमाल होता है, तो उसके वजह से क्या होता है, लगातार खांसी होने के कारण, लगातार मांसपेशियों के इस्तेमाल होने के कारण मांसपेशियों में जो दर्द है वो शुरू हो जाता है, तो उसके वजह से एक खांसी हो सकता है। और बहुत रेयर कॉजेज में ये होता है कि अगर आप बहुत वायलेंटली कॉफ़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ कर रहे हैं, तो आपकी जो पसलियां हैं वो भी टूट जाती हैं। कई बार ये बहुत रेयर कॉज है, तो उसके वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। तो जो इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन तो यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा खांस रहे हो तो मांसपेशियों में दर्द जो शुरू हो जाता है, और जो मांसपेशियों का दर्द होता है वही आप जब खांसते हैं तो आपको दर्द ज़्यादा होता है। तो ऐसे मरीज कई बार ये भी कहते हैं कि सर, हम लोग जब लंबी सांस ले रहे होते हैं या करवट बदल रहे होते हैं तो भी हमें दर्द होता है। तो मुख्यतः मुझे लगता है कि यही सबसे कॉमन जो कारण है वो है। जी डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि ये दर्द अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा, तो इसे नज़रअंदाज करना कितना गलत साबित हो सकता है? देखिए, अगर तो ये कोई बीमारी का संकेत है, जैसे कि मैंने बताया निमोनिया या पानी है छाती के अंदर, तो ऑब्वियसली उसको आप नज़रअंदाज करोगे तो वो बढ़ती जाएगी और आगे जाके दिक्कत करेगा। पर अगर मान लीजिए वो दर्द की, मांसपेशियों के दर्द की वजह से है, तो अक्सर वो खांसी जब ठीक होता है तो उसके कुछ दिनों के बाद वो अपने आप भी ठीक हो जाता है। नहीं तो आप कुछ दवाइयाँ ओवर द काउंटर मिलती हैं, मसल रिलैक्सेंट्स मिलते हैं, पेन किलर मिलते हैं, आप उनको लेके उसको आप यूजली रिलीव कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, ये मांसपेशी वाला दर्द ऐसा नहीं है कि बहुत ख़तरनाक होता है या जानलेवा होता है, अक्सर ये अपने आप भी ठीक हो जाता है या थोड़े मोड़े दवाइयों से अक्सर ठीक हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ऐसे कोई रेड फ्लैग्स है अगर वो नज़र आए इस दर्द की वजह से, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से मुलाकात करनी चाहिए। हाँ, मतलब अगर बहुत ज़्यादा पेन है कि आप डे टू डे एक्टिविटी में आपको दिक्कत हो रही है, लगातार चल रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, और अगर आपके मतलब हाँ जीवन शैली में दिक्कत कर रही है या बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है? जैसे आपने बताया कि कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन ली जा सकती है, लेकिन अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर हो चुकी है तो इलाज किस तरीके से किया जाएगा? उस केस में तो मैं कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह करें और जो डॉक्टर लिखे वही बेहतर है, क्योंकि ऐसे कह देना तो बड़ा मुश्किल होगा कि भाई, क्योंकि सबसे मुख्यतः होता है कि कारण ढूंढना होता है। अगर कोई बीमारी है, कुछ है, तो बीमारी का इलाज करना है। मांसपेशियों का दर्द है तो कई बार समय लगता है, मांसपेशियों का दर्द जाने में भी समय लगता है, तो उस केस में हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, दर्द के दवाई देके थोड़े समय तक और वेट करते हैं, और उसके बाद भी कारण नहीं मिलता है तो फिर सीटी या कुछ हम लोग आगे जांच करते हैं, ताकि हम ये रूल आउट कर सकें कि कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर उसके हिसाब से ही उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि ये नैरो डाउन किया जाता है कि क्या कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स का इशारा हो सकता है? देखिए, खांसी के साथ सीने में दर्द होना तो अक्सर मतलब बीमारी अक्सर जो होती है वो फेफड़े से रिलेटेड ही होती है, पर अगर मान लीजिए आपके बाएं साइड में सीने का दर्द है तो भाई ऑब्वियसली हमें हार्ट का एक रूल आउट हमेशा करना चाहिए। तो अक्सर हमारे मरीज जब भी आते हैं बाएं साइड का दर्द लेके आते हैं, तो हम लोग एक कार्डिक इवेल्यूशन, बेसिकली ECG को या कुछ भी एक चीज़ हम लोग ज़रूर करते हैं, और ऑब्वियसली अगर उसको हम नज़रअंदाज करेंगे तो वो जानलेवा भी हो सकती है। जी, और बाकी रही बीमारियों की बात, तो भाई अगर निमोनिया बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो भी एक दिक्कत हो सकती है। पानी बढ़ रहा है तो वो भी दिक्कत हो सकती है, तो जानलेवा अक्सर नहीं होता है, बट हाँ अगर कुछ पकड़ में आता है तो डेफिनेटली हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। जी
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।